हेलो दोस्तों आज Q4 के नतीजे आए किस कंपनी का है यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड ट्रायल इस कंपनी टी आर आई एल के नाम से इसे जानना भी जाता है पैनी स्टॉक कह सकते हो ओके और माइक्रो कैप कंपनी है यहाँ पर 900 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है अड़सठ अड़सठ सिक्सटी एट करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है आ, शेयर प्राइस है पर्टिकुलर शेयर का 82 टू का इसने अभी हाई लगाया था रिसेंटली फिफ्टी टू वीक हाई है इसका तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी का शेयर देखिए शेयर की अगर आप देखो तो आज इसने एक अच्छी खासी तेजी करी थी यहाँ पर आज एक अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा था सेवेंटी थ्री रुपीज तक लगभग चार परसेंट के आसपास की तेजी यहाँ पर होती हुई नजर आई बट अचानक ही यहाँ पर ये यह शेयर गिरता हुआ नजर आया तो उन सभी चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं और जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है क्यों हुआ है कैसा हुआ है और क्या करना चाहिए एग्जैक्टली क्या लेना चाहिए क्या बेकार रिजल्ट आए है जिसकी वजह से क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है रिजल्ट बेकार आते हैं तब शेयर गिरते हुए नजर आते हैं तो क्या सही में बेकार रिजल्ट आए हैं तो सबसे पहले इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ

Uh, अगर एक बेकार रिजल्ट आए होते तो ट्रायल इस तरीके से नहीं होता ट्रिल ओके okay, ट्रिल क्या हो करता हुआ नजर आता ट्रिल यहाँ पर और भी ज्यादा गिरता हुआ हुआ नजर आता आता और शायद ये ये रुपए तक तक या फिर पर दिखाई भीवट एक परसेंट की है क्योंकि लोगों को इसके नंबर ही समझ में नहीं आए ठीक है तो अब हम यहाँ पर खुल के बात करेंगे कि एग्जैक्टली exactly क्या होता हुआ नजर आया uh, किस तरीके से चीजें चलती हुई नजर आई वो सब चीजें बातें करेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें है पावर फोनैंस एंड रेक्टिफायर यहाँ पर रेक्टिफायर्स ट्रांसफॉर्मर्स तो ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती हुई नजर आती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो और ट्रांसफॉर्मर की मांग यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी ठीक है तो यहाँ पर आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा तो यहाँ पर आपको सिंपली और सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनका अच्छा खासा यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है पावर ट्रांसफॉर्मर्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है ऑक्सीलर ट्रांसफॉर्मर स्टेप बाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मर शंट रिएक्टर ये कंपनी बनाती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ये बनाती हुई नजर आती है तो अच्छा खासा इन कंपनी का यहाँ पर काम है यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का अच्छा खासा काम ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें एटीफा करोड़ परसेंट का यहाँ पर डोमेस्टिक और ये एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं टाइप्स भी है इनके अच्छे खासे यूक्रेन की कंपनीज के साथ आप चाहो तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर विजिट करो और जाके इनकी सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों के बारे में यहाँ पर जान लीजिए अब जब दोनों के बारे में जान लोगे तो आपको यहाँ आप पर चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी कि चीजें किस तरीके से काम करते हुए दिखाई देती है अब बात करते हैं सीधे मुद्दे पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके आज के आते हुए दिखाई दिए रिजल्ट तो यहाँ पर देखेंगे तो हाइएस्ट एवर कंपनी की सेल्स आती हुई दिखाई दी लगभग लगभग अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर सेल्स बढ़ी है बस साथ में आपको एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहे होंगे 400 करोड़ रुपए के आसपास ठीक है तो यहाँ पर देखिए ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर पिछले 12 क्वार्टर की हाईएस्ट एवर तो कंपनी की सेल्स है बट एक्सपेंसिव भी साथ साथ आई है जिस वजह से कंपनी का मार्जिन ईयरली बेसिस पर तो अच्छा है क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होता हुआ नजर आया क्या ये डाउन लाजमी था क्या ये इंटेंशनली था या क्या था ये उस सब चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट भी देखोगे कंपनी कहातीस लाख का प्रॉफिट था कहा नौ करोड़ रुपए का प्रॉफिट है तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट था प्रॉफिट पर बैठी हुई है नेट प्रॉफिट और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर मैं इसके रिजल्ट पे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ देखिए कंपनी के इस बार के रिजल्ट है ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है ये एक साल पहले के रिजल्ट है तो आप देखिए कंपनी का क्वार्टरली

ठीक है या फिर यहाँ पर आप कहिए कि यहाँ पर कंपनी के कुछ इन्वेंट्रीज खत्म हो गई थी वो मंगाए होंगे ठीक है एक्सपेंसेस में वो दिखाई जाते है तो यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन ठीक है आसपास

ठीक है बारह करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था बिफोर टैक्स इससे पहले दस दस करोड़ था इससे पहले पांच सौ इक्यासी तो हम अगर बात करें तो अभी भी देखिए प्रॉफिट में बट अगर करिए नेगेटिव में होता ठीक है इन्वेंट्रीज पे खत्म नहीं होता तो खर्चा नहीं होता तो यहाँ पर आपको पता चलता कि ये और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो मार्जिन भी बढ़ते हुए नजर आते हैं और मार्जिन कितने बढ़ते हुए नजर आते इससे अच्छे खासे मार्जिन पर आते हुए दिखाई देते हाईएस्ट मार्जिन आते हुए यहाँ पर दिखाई देते बट खर्चे है होते रहते कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट इसकी वजह से गिरता हुआ नजर आया ओके यहाँ पर आप देखो कुछ खर्चे थे यहाँ पर टैक्स टैक्स का कुछ होता हुआ दिखाई दिया उसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का टैक्स यहाँ पर ज्यादा आया है तो इस वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया बट कंपनी ने अच्छा खासा ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर करके दिखाया है मेरे हिसाब से ये बेस्ट रिजल्ट है ठीक है किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है हाँ अब इस रिजल्ट से क्या होगा थोड़ा सा खर्चा हुआ है कंपनी तो उसमें चार्ट में मैं चलूंगा तो आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है तो बाइक सालिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि चीजें समझ में आए और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करिएगा एक वीडियो आ रही है यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बने दिखाई देंगे आई के शेयर है तो यहां पर सब्सक्राइब बेलाइकन को हिट और सीखिए जितना सीखोगे उतना अच्छा रहेगा और सीखने के लिए वीडियोज तो है ही है बट वीडियो से ज्यादा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हाँ अच्छा खासा पैसा मार्केट में सीरियस वे से कमाना चाहते हो पचास परसेंट सौ परसेंट क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे

पर मंथ मतलब बारह सौ रुपए देने हैं और कुछ भी नहीं और उसमें क्या उसमें देखिए स्टॉक्स दिए जाते हैं स्टॉक्स जैसे ही दिए जाते हैं यहाँ पर देखिए और यहां पर ये देखिए स्टॉक्स इन फोकस टुमारो एंड इन इन कंप्लीट क्वार्टर तो कंप्लीट क्वार्टर के लिए यहां पर देखिए ब्रेकआउट होगा ठीक है पैनी स्टॉक्स है ये सारे के सारे स्टॉक्स थ्री परसेंट थ्री परसेंट इस तरीके से भागते हुए नजर आते हैं तो आप क्या कर सकते हो हमारे साथ जुड़ सकते हो बारह सौ रुपए देने और कुछ नहीं और जिनका पोर्टफोलियो बढ़ा है ये तो छोटे पोर्टफोलियो के लिए जिनका एक लाख दो लाख या फिर इससे तो छोटा पोर्टफोलियो है जिनका पोर्टफोलियो बढ़ा है उन्हें क्या करना है उन्हें सिंपली एक काम करना है इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है हमसे बातें करनी है ओके और हमसे बात करके हमारी सर्विस जो यहाँ पर इन्हीं स्टॉक में काम होना है बट हम बात करें पर्सनली आपके लिए काम करेंगे क्या रिस्क रहेगा क्या रिवॉर्ड रहेगा किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो चीजों को यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए और हमारे साथ काम कर सकते हैं अच्छा तो हम बात करते हैं ट्रिल ट्रिल की तो देखिए माइक्रो कैप शेयर है जब माइक्रो कैप की बात कर रहा हूँ जब शेयर भागेगा तो अच्छा खासा भागेगा जब गिरेगा तो उसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आएगा इस चीज को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं है नौ करोड़ रुपए के आसपास कंपनी है बाइस का यहाँ पर पीई है इंडस्ट्री का पी थर्टी का है तो यहाँ पर आर ओसी देखने नहीं है लॉन्ग टर्म का हमारा विजन नहीं है चौरासी परसेंट के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट भी है और बाइस परसेंट के आसपास की प्लेजिंग भी है एटी टू परसेंट का एटी टू रुपीज का यहाँ पर फिफ्टी टू वीक हाई है तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा एवरेज दिखाई देता है बट कंपनी के रिजल्ट बेस्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी ईयरली बेसिस पर यहाँ पर, पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे वो अच्छा खासा है नेट प्रॉफिट की बात करें हाईएस टाइप ऑफ प्रॉफिट आ रहे हैं जो हाइएस्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट आ रही है हाईस्ट टाइप ऑफ कंपनी यहाँ पर दिखा रही है तो शेयर

पब्लिक की बात करें पच्चीस परसेंट के शेयर पब्लिक के पास यहाँ पर नजर आते हैं और यहाँ पर शायद कुछ बड़े यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती रहती है वो छोड़ देते हैं तो हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी है यहाँ पर देखोगे अब मैं आपको चीजें थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगा थोड़ी सी चीजों के रिलेटेड बताऊंगा देखिए रिजल्ट बेकार आने होते शेयर और ज्यादा गिरता है सबसे पहली बात तो पहली बात तो रिजल्ट बेकार नहीं है अच्छे रिजल्ट है एवरेज रिजल्ट है एवरेज का ब्रिलियंट रिजल्ट है मैं तो ये कहूंगा ठीक है और अगले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूँ तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी यहाँ पर अच्छे खासे आने वाले हैं ठीक है जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है इन्वेंट्री पे खर्चा बार बार नहीं होगा इस चीज को भी याद रखिए अब यहाँ पर बात करें तो शेयर यहाँ पर गिरा और गिर के एक, एक सपोर्ट था उस सपोर्ट को यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर लिया है ठीक है अब हो सकता है दो चार दिन पांच दिन दस दिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करता रहे अगर आपको डर लग रहा है आपको के पास शेयर है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए कितना सिक्सटी सिक्स रुपीज का लगा लीजिए

ठीक है थोड़ी सी अगर यहाँ पर देखोगे ना ये ये एक मैंने बना रखा है क्या बना रखा है यहाँ पर देखिए ये आ, आपका फीवोनाशी टेक्निक्स है इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो टारगेट है हंड्रेड प्लस के भी ऊपर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके अच्छा खासा आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है अब यहाँ पर हम बात करें और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई पे मैंने आपको दिखाया था कंपनी का जो प्रॉफिट है हाईस्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट आ रहा है हाईस्ट टाइप सब चीजें है और सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बैठी हुई है तो कभी ये शेयर कितने रुपए का 2008 में हम बात करें तो 93 थ्री करोड़ थ्री रुपीज पे चलता था और अभी कितने पे चल रहा है सिक्सटी एट जब चीजें हाइस्ट एवर यहाँ पर अपने आप को पेश कर रही है ना और कंपनी के अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं सब चीज़ अच्छी आ रही है तो शेयर प्राइस को उस लेवल तक तो जाना ही जाना है तो आपके लिए ये थर्टी थर्टी एट थर्टी नाइन परसेंट के uh, जो प्रॉफिट है ये बनना हुआ है जो कि मुझे लगता है इस क्वार्टर के अंदर अंदर आ जाएगा क्योंकि अच्छे रिजल्ट है इसके अलावा चीज़ें यहाँ रुकने नहीं वाली चीजें थोड़ा सा और वेट uh, करेगी ठीक है और अगले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने ही है जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ कर रहा हूँ तो अच्छे रिजल्ट आते हैं शेयर में और तेजी होगी और ये